Assalamu alaikum. Hobby 34 European American Week. And ye hostel mein shuru ki second video hai. First video mein maine aapko review dikhaya tha, ye second hai. Isme ye aap dekh sakte hain abhi 12 din ho chuke hain is mushroom ko maine lagaye hue. Ye condition hai iski mycelium ka ho raha hai. ये कॉटन मैंने होल करके इधर कॉटन लगा दिए. इस टाइम जो माइसीलियम रन होने की कंडीशन में जो मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. जब तक ये माइसीलियम रन पूरे बैग में नहीं हो जाता, पूरा बैग वाइट नहीं हो जाता, तब तक 25 डिग्री में मेंटेन करूंगा. इसमें बात ये है कि माइसीलियम रन होने के दौरान कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब होने के चांस हो देते हैं. मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बन जाते हैं इसमें. तो पहली बात ये, जिस तरह मैंने रखे हुए हैं इस तरह नहीं रखने. मैंने तो भी एक जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी इधर हैंगिंग का प्रोसेस है वो करना है. कम से कम एक से बैग से दूसरे बैग के दरमियान 6 इंच का फासला होना चाहिए. इसमें हवा वगैरह क्रॉस होती रहे तो उसमें जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है. तो भी ये मैं हैंगिंग का प्रोसेस करने के लिए मैंने इकट्ठे किए हुए हैं. इसमें यह है कि पहले जो 15 दिन तो बताते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है. तकरीबन ये बीज की क्वालिटी पे होता है. पाकिस्तान में जो ऑयस्टर मशरूम है वो तकरीबन 20 से 25 दिन लगाती है, जो फर्स्ट से लेके इसको पूरा माइसीलियम रन होने तक 25 दिन लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं. ये आपके टेम्परेचर पे, आपने कितना कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है. इसमें आप 2-3 दिन बाद इस पर ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि कहीं जो है ये ख़राब तो नहीं हो रहा, बढ़ोतरी इसकी बाकायदा तरीके से हो रही है. इसमें यह पहले जो 25 दिन है माइसीलियम जो स्टेज है, इसमें आपने कमरे में अंधेरा रखना होता है और कोशिश करें कमरा बंद हो पूरा, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है कि दीवारें हैं फिर भी मैंने पॉलीथीन लगाया हुआ है ताकि इसमें ऑक्सीजन कहीं से भी अंदर इंटर ना हो. इसमें यह है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा होगी वो माइसीलियम रन होने में मददगार साबित होती है. जब ये फ्रूटिंग पे आता है तब हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम पे ये फ्रूटिंग के लिए हार्मफुल होती है. तो पहले जो 25 दिन है माइसीलियम की स्टेज के, उसमें आप इसमें नमी जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, नमी चाहिए भी नहीं होती क्योंकि बैग के अंदर काफ़ी नमी होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है. बस क्लोज हो, कमरा बंद हो ताकि अंदर ऑक्सीजन ना आए और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहे. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जब फ्रूटिंग पे आएगा 25 से 30 दिन, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपको बताऊंगा इन कैसे मैंने किए हुए हैं. तो ये फ्रूटिंग से आने से पहले ये हैंगिंग का जो प्रोसेस है वो लाजमी है. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बढ़ोतरी में, फ्रूटिंग भी अच्छी आती है क्योंकि एक बाकायदा गैप मिल जाता है इसको. ये मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है इसको, एक हीटर लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप हीटर. तो मैंने छोटा सा एक कमरा है स्टोर टाइप, तो मैंने इसको फुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया हुआ है. 25 डिग्री है तो 25 ही रहेगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो है बताऊंगा कि इसने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है.
और मौजूदा जो हालात हैं ये मसेल यमरान हो रहा है जी। जिधर जिधर आपको वाइट जगह नज़र आई हुई है वहाँ पे मसेल यमरान हो चुका है। ये एक स्प्रेयर है, अभी इसको मैं जब भी दरवाज़ा खोलता हूँ तो उसमें फॉर्मलिन है 2% वो डाल के स्प्रे कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करनी, बैग पे ना है बट दीवारों पर ला के कोई मक्खी वगैरह अंदर ना रहे, वो डिस्टर्ब होकर भाग जाए या मर जाए।